सिरोंज कृषि मंडी के मंगल धर्मकांटे पर बुधवार को तुलाई के दौरान धर्मकांटे पर एक ऑटो चालक द्वारा धोखाधड़ी का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि कृषि मंडी में सोयाबीन गगन ट्रेडर्स ने खरीदा था और उनका मुनीम विजय चंदील वजन कराने साथ गया था। तभी मुनीम ने देखा कि ऑटो की केबिन में सीट के नीचे एक लड़का उड़कू छिप कर बैठा है, उसका वजन भी साथ जुड़ गया। वहीं पकड़े जाने के बाद लोडिंग ऑटो वाला मोनू बहाने बनाने लगा और लोडिंग ऑटो में छिपा बैठा लड़का बहाने करते हुए बोला कि उसकी नींद लग गई थी। मंडी अभी तेज चल रही है, इसलिए व्यापारियों ने इसकी शिकायत मंडी प्रशासन को डाक खत्म होने के बाद करने को बात कही है। यह पहली बार है जब फर्जी तरीके से वजन बढ़ाकर चोरी करने की कोशिश की गई है। फिलहाल ऑटो वाला मंडी से फरार हो गया है। सिरोंज से संवाददाता अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। और सुबह जो घटना हुई है ना, ऑटो लोडिंग वगैरह जो अभी आती है ना, सब लोग व्यापारियों की लोडिंग और ऑटो ट्राली जो डाक नीलामी होती है धर्मकांटे से होती है, कुछ लोग क्या करने लगे हैं, जैसे कि सुबह जो घटना हुई है उसके अंदर 3 बोरी थी। वो बोरी होने के बाद उससे पूछा तो उसने कह दिया और कुछ सामान नहीं, हमने पूछा कि नहीं है, उसने कांटा करवा लिया। कांटा होने के बाद फिर उसमें जो ऑटो का गेट खोलकर हमने देखा तो उसके नीचे सीट के ड्राइवर के नीचे लड़का बैठा हुआ था 50 किलो का। उसका दूसरा वजन हमने देखा तो 50 किलो का डिफरेंस था। पहली बार इन्होंने किया होगा जरूर, तभी इनको मालूम है उस चीज़ का। इसमें किसान और ऑटो चालक वाले का कोई लेन देन हुआ होगा, उसने बताई होगी ये स्कीम, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है ना हमारे ऑटो में कितना वजन है। किलो का अंतर आता है, उसके लिए जिसका कांटा है उस व्यक्ति की एजेंसी पर कार्रवाई करेंगे।